दोस्तों, अगर आप एक जियो सिम यूजर हो और जियो से आप एयरटेल में पोर्ट करना चाहते हो, मतलब जियो से आप सेम नंबर रहेगा लेकिन आप एयरटेल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। तो स्वागत है आप लोगों को फिर से और एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे जियो से एयरटेल में सिम को पोर्ट करते हैं। जी दोस्तों, इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको पूरा ध्यान से बारीकी से वीडियो को देखना होगा ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, मेरे मोबाइल के स्क्रीन में लेके जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी जो आपका फिलहाल का जियो नंबर है कि बिना नंबर बदले जियो से एयरटेल में सिम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे वीडियो के नीचे जो लाइक का ऑप्शन है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है यहाँ पे दबा के ऑल ऑप्शन पे दबा दीजिए ताकि हमारा ऐसा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नाइस वीडियो या वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, यहाँ पे थैंक्स दिख रहे हो, थैंक्स पे क्लिक करके सुपर थैंक्स बाय करके चैनल को सपोर्ट कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास जो जियो का सिम है उसको पोर्ट करने के लिए, एयरटेल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैसेज ऐप ओपन कर लीजिए। आपको कैपिटल में दोस्तों लिखना है पोर्ट, फिर आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेना है, फिर आपको दोस्तों 1900 पे सेंड कर देना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस नंबर से मैसेज भेज रहे हो उस नंबर पे दोस्तों जियो नंबर पे रिचार्ज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, देख सकते हो ये भेज देने के बाद आपके पास एक यूपीसी नंबर आएगा। ये यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो द UPC फॉर योर मोबाइल नंबर इज़, ये आपको जो है UPC नंबर अभी जाके आपको क्या करना है, आपके पास जो नियरेस्ट एयरटेल का स्टोर है दोस्तों, वहाँ पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों वो लोग आपके ये UPC नंबर जो है ये आपको देना होगा। ये देने के साथ और ये UPC कोड के साथ साथ ही दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड देना होगा। देने के साथ आईडी वेरिफिकेशन के बाद आपके आधार कार्ड के नंबर पे एक OTP आएगा, और वो देने के बाद दोस्तों आपका जो जियो सिम है वो एयरटेल में 3 मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर पोर्ट हो जाएगा। और इसके लिए दोस्तों आपको ना ही कोई चार्जेस देना पड़ेगा। अगर ऑफिशियल एयरटेल का स्टोर है तो फ्री में हो जाएगा, अगर ऑफिशियल नहीं है तो दोस्तों मैक्सिमम आपको 50 रुपीज़ तक चार्जेस देना होगा। और दोस्तों, इसके बाद आपको जो है 2 महीने तक एयरटेल का फ्री डाटा आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।